तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आप प्रभु श्री कृष्ण के बताए पथ पर चलिए, प्रभु श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलिए, जयते इस मार्ग पर चल के देखिए। कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत तपो युद्धानव योजना, कहा गया है ना, कौन बोला है, कौन बोला है गीता में, श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण का है, प्रभु श्री कृष्ण का परम भक्त हूँ और आप भी भक्त हैं। क्या ये सेकुलर का चोला पहने हो यार, राष्ट्र की बात करता है, तुमको मुख्यमंत्री बनना है ना, तुम मुख्यमंत्री जरूर बनोगे, तुम सनातन हित में बात करो, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करो, तुम लव जिहाद पर खड़े होकर के बोलो, तुम जमीन जिहाद पे बोलो, तुम सनातन हित की बात करो, तुम मुख्यमंत्री बनोगे, जो राष्ट्रहित की बात करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। बातों को खंडन करेंगे, हाँ, तमाम अलग अलग धर्म के लोग भी मनीष कश्यप के समर्थन में हैं, तो आप जो है एक ही जो है सनातन धर्म इसमें जोड़ रहे हैं, तो तमाम अलग धर्म के लोग जो है इससे भड़केंगे, क्या कहिएगा? देखिए मैं सभी को सनातन ही मानता हूँ, आपको अपने आप को जो मानना हो माने, मैं सबको सनातन ही मानता हूँ, और मैंने राष्ट्रवादी वर्ड भी यूज किया, राष्ट्रवादी में सभी आ जाते हैं, जो भी राष्ट्रवादी है जो गर्व से बोलते हैं मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान, एक मिनट, जो बोलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये गधा देख रहे हो, एक एक राष्ट्रवादी अगर तुमको अपने हाथ से छू भी देगा ना, तो तुम्हारी प्राण नहीं रहेगी, इस भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम जय श्री राम कहना होगा। नाटक में तो ना लग रहा है। आज आप ये गदा लेकर आए हैं, ये किस चीज का प्रतीक है इस सभा में? देखिए हम लोग सब सनातन धर्म के रहने वाले लोग हैं जी, हम भी, मैं भी पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं हिंदू प्रचारक हूँ, ठीक है, ये वस्त्र हम लोग का वस्त्र है, सप्ताह में एक दिन पहन के देखिए, अलग ऊर्जा आप लोग को मिलेगी, लगेगा आप शक्ति बहुत है। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, लेकिन देखिए निरंतर मैं बोल, ये सुना जा रहा है बेतिया में होगा, आपका बेतिया जाएंगे, पहुंचेंगे आप बेतिया? मैं हर संभव कोशिश करूंगा, जहां राष्ट्र हित में आवाज उठेगी, जहां सनातन हित में आवाज उठेगी, अमन कुमार वहां पहुंचेगा। मनीष कश्यप को लेके सर यहां पे बात हुआ है, मनीष कश्यप को लेके आप कहां और किसको मतलब कि इस प्रति जागरूक करना चाहेंगे इस माध्यम से? पहले मनीष कश्यप जब झूठा एफआईआर किया गया था तो मुझे जानकारी हुई, और उसी दिन मनीष कश्यप का जन्मोत्सव भी था, मैंने बड़ा होर्डिंग लगा करके केक काट करके बीच चौक पर मनीष कश्यप का समर्थन किया, मैं बताया उस समय वो जेल नहीं गया था कि भाई एक ग्राउंड लेवल स्तर समर्थन हो रहा है, डरना नहीं, हम लोग सब साथ में हैं। बाबा जी अब कहां से आए हैं? अभी कोर्ट भी गया था, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भी मैं गया था, ठीक है, सड़कों पर उतर का समर्थन किया, बागेश्वर धाम पे 6 दिन तक अर्जी लगाने के लिए प्रयास किया, आज यहाँ पर हूँ, बेतिया तो बेतिया भी आऊंगा।